जलने वालों की कमी नहीं, जलने दो जो जलता है। फर्क नहीं पड़ता फर्क मुझे, अपना तो ऐसे ही जलता है। कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए, मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी में आ करता है। राख बेशक हूँ मैं, मगर मुझ में हरकत अभी भी है। जिसको जलने की जल्दी हो हवा दे के देख ले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग मुझे गिराने में लगे हैं, कुछ लोग मुझे गिराने में लगे हैं और सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। कुछ लोग मुझे गिराने में लगे हैं और सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कि कतरा नहीं समंदर हूँ मैं, उनसे कह दो कि कतरा नहीं समंदर हूँ मैं, वो खुद डूब जाएंगे जो डुबाने में लगे हैं। दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी ये सोचने में निकाल देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। साला अब जाने के बाद पता चला है कि चार लोग मरने के बाद सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि राम नाम सत्य है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस यही एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, बस इसी डर की वजह से। एक स्टोरी मेरे को याद आई है, आपने हज़ार बार स्टोरी सुनी होगी, एक बार और सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। बचपन से हम यही कहानी सुनते आए हैं। एक बार बाप बेटे मार्केट गए, मार्केट से वो एक गधा खरीदे। गधा खरीदने के बाद वो अपने घर की ओर निकले तो उनको गांव के चौराहे पे चार लोग मिले, वही चार लोग क्या कहेंगे। तो जब चार लोग मिले उनको तो हो क्या रहा था, वो दोनों बाप बेटे गधा ला के पैदल पैदल चल रहे थे। चार लोग उनको रोक के बोले कि तुम सबसे ज़्यादा चूतिया महामूर्ख इंसान हो, एक बात मेरे को ये बताओ कि आपके साथ में सवारी है, गधा आप साथ में लेके जा रहे हैं, सवारी लेके जा रहे हैं, लेकिन आप मूर्ख हो, पैदल पैदल चल रहे हो। तो उनके बाद यार, हाँ यार बात तो ठीक है यार। तो उन्होंने क्या करा, दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठ कर चलना स्टार्ट करा। अब आगे चले, जैसे अगले गाँव में पहुँचे तो वहाँ पर फिर चार लोग बैठे थे, वही वाले क्या कहेंगे। जब उन लोगों ने देखा तो फिर एक कमेंट्स करी कि तुम कितने निर्दयी हो यार, तुमको इतनी भी दया नहीं है कि एक कमज़ोर सा गधा है और दोनों बाप बेटे उस पर बैठे हो, गधे की जान लोगे क्या। वो क्या करे, उनमें से जो है वो एक व्यक्ति उतर गया। पिताजी बोले कि बेटा एक काम कर, तू बैठ जा, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। तो बेटा बैठा है, गधा जी गधे को पिताजी पकड़ के लेके चल रहे। अब अगले गाँव पहुँचते हैं तो फिर गाँव वालों ने कमेंट्स की कि यार कितना देख ये निर्दयी बेटा है, इसको इतना भी मतलब नहीं पता है कि बूढ़े बाप को तो पैदल चला रहा है और अपना हट्टा खट्टा गधे पे बैठा है। बेटे ने बात सुनी, बेटा बोला कि पिताजी एक काम कीजिए, मैं पैदल पैदल चलता हूँ, आप बैठ जाइए। फिर पिताजी बैठ गए, बेटा उसकी रस्सी पकड़ के बेटा चलने लगा। अब जैसे कि अगले गाँव पहुँचे, अगले गाँव पर फिर वही चार लोग मिल गए गाँव के चौराहे पर, उन्होंने फिर वही खतरनाक वाली कमेंट, देख कितना बेरहम बाप है, मासूम औलाद को तो पैदल चला रहा है और अपना भरामखोर बैठ के जा रहा है। अब उनके पास में ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बची थी जो उन्होंने आजमाने ली थी। पहले दोनों बैठे तो प्रॉब्लम, बाप पैदल पैदल चला बेटे को बैठाया तो प्रॉब्लम, उसके बाद में भाई साहब क्या कहते हैं उसका बेटा बैठा तो प्रॉब्लम, बाप बैठा तो प्रॉब्लम, पैदल चल रहे हैं तो प्रॉब्लम, दोनों बैठे हैं तो प्रॉब्लम, किसी भी कंडीशन में उन लोगों ने उनको छोड़ा नहीं। तो लास्ट में क्या करा, गधे को पकड़ा और उठा के खंदी में डाल दिया, बोले कोई कुछ नहीं है, किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ अपने काम से काम रखना है, तभी जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर लोगों की बातें सुनोगे तो लोग कुछ नहीं आपको पीछे खींचेंगे। आपको अपने गाँव में ट्राई करके देखना कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आप गांव में कोई कारोबार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो लोग बोले भाई क्या कर रहा है, भाई कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, भाई कितना मूर्ख इंसान है, देख बाहर निकल के, देख बाहर बहुत पैसा, दिल्ली मुंबई पंजाब हरियाणा राजस्थान बेंगलोर कहीं पर जाके काम कर, तो गाँव में क्या कर रहा है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। चलो ठीक, उनकी बातों को सुना, अपना काम छोड़ा, दिल्ली चला गया। कुछ लोग मेरे को दिल्ली मिले, क्या फान क्या कर रहा है यार, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक मैं जॉब कर रहा हूँ, कहाँ बे इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कितना पैसा मिल रहा है, 15-20 हज़ार रुपये। अबे मूर्ख इंसान, इतना पैसा तो गांव में ही कमा लेगा। अब सोच के देखो, जब मैं गांव में था तो बाहर पैसा कमाने के लिए भेज दिया, जब बाहर था तो गांव में पैसा कमाने के लिए भेज दिया,
तो पूरी जिंदगी हम यही सोचते रहेंगे चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कुछ नहीं कहते हैं। दोस्त अपने काम से काम रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, लोग क्या बोल रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं है, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? तो वही मैं दोस्त आपको बात बता रहा हूँ कि जिस दिन आप ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करने के लिए आए और आपने काम स्टार्ट करा, आप बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में और करना भी स्टार्ट कर दिए हैं, अगर वो लोग आपको मिल रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, तो उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उनकी बातों को अगर आप इग्नोर करेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना वो लोग बढ़ने वाले नहीं है। और ये डर भी अपने मन से साला निकाल के फेंक दीजिए कि चार लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में लोग सोचेंगे क्या? कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है, मरने के बाद यही कहेंगे राम नाम सत्य है। तो नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री होकर काम कीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, प्रमोशन लीजिए, मेहनत कीजिए और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाइए जो आज तक आपके पूर्वजों ने नहीं करा है। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से मांगो कुछ तो सितारे भी किसी के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।